हे गाइस, क्या सब तेरे आयो पलो चुके और एक वीडियो आपको कर। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा जो वीडियो मिली हुई वाई पे जो ब्लॉगर टेम्पलेट है उस पर कैसे जो सेपलिंग ऑर्गेनिक सेपलिंग का शेटअप देख कैसे करोगे। और ऐसे शेटअप वगैरह इजी आप जानते हो, मतलब जो लिंक बार वगैरह कैसे एक्सपायरी लिंक ऐड करना है, टाइमर वगैरह ऐड करना है, वही बताने वाला हूँ। ओके, और मैं कोई भी समझ लो गूगल का लिंक कॉपी करके इसको जनरेट करके देखता हूँ। ओके, ये पे लिंक को पेस्ट किया और फिर जनरेट किया, कॉपी किया। ओके, पहले तो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। और इसमें जो शॉर्ट लिंक वगैरह है तो मतलब लिंक को तो जनरेट ही करेगा, साथ में इसको शॉर्ट भी करेगा। ओके, ये पे प्लीज वेट दिखा रहे और रैंडम पोस्ट आएगा। ओके, तो सेकंड वेट कर लेते हैं। देन ओके, स्क्रॉल डाउन, कंटिन्यू बटन, तो नेक्स्ट फेज है। इस बार टू फेज आएगा। ओके, मतलब ये बार टू फेज, आप जितनी भी फेज नंबर ऐड करोगे उतनी बार पेज भी होगा, उसके बाद ही लिंक ओपन होगा। ओके, फिर नोटिफिकेशन का चालू है। इस बात कंटिन्यू, देख लो गूगल लिंक ओपन हो गया। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए पे जो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, थीम पे कोई काम नहीं है। आपको क्या करना, थीम को जो डायरेक्टली लेके जो कॉपी टू पेस्ट कर देना थीम को। इसके बाद ए पे देख लो जो रैंडम पोस्ट कैसे ऐड करोगे, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मैं पूरा कोड को क्लियर कर देता हूँ। ओके, आपके पास शायद इस तरह का से रहेगा। टैबलेट आईपैड में ही प्रॉब्लम है। कैसे इस तरह से रहेगा। ओके, तो आपको ऐसे एक दे देना, दो दे देना, फिर देता इसके बाद लिंक लिंक डाल देना। ओके, इसके बाद इसको आप फिर से दे देना। ओके, ये तो पहला लिंक हो गया। अब इस बार दूसरा लिंक ऐड करने के लिए आपको क्या ऐसे दे देना, इसका इंटर एक दे देना, इसका दबा फिर से लिंक ऐसे दे देना। जो लास्ट पे है ना, जो लास्ट लिंक पे वही पे ये मत देना। ओके, ऐसे रहने देना। जितने बार लिंक ऐड करोगे 20 में ये वाला होना चाहिए। ओके, तो मेरा ऑलरेडी पे ऐसे है। तो इसके बाद है जो एक्सपायरी टाइम, लिंक कितने देर जो थीम के अंदर रहेगा। ओके, लिंक का एक्सपायरी टाइम ऐड कर सकते हो। ये पे जो लिंक के ए पे एक दोगे तो 1 मिनट रहेगा, तो 10 मिनट दोगे तो 10 मिनट के बाद वो लिंक और वर्क नहीं करेगा, मतलब वर्क करेगा लेकिन जो वाला थीम पे मतलब वही डोमेन पे से एक्सपायर हो जाएगा, वो लिंक वही डोमेन से नहीं ओपन होगा। ओके, फिर से आएगा लिंक लेकर तब ओपन होगा। ओके, अब वेबसाइट में वगैरह जानते हो तो वेबसाइट के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा। ओके, और 8ply लिंक के लिए, तो अगर आप 8ly के लिए ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये पे 8ly के लिए ऑप्शन है, तो ये पे जो लास्ट डोमेन है वही पे ऐड कर देना। ओके, और ये पे टाइमर कितने सेकेंड ऐड करोगे, ऐसे ये पे टाइमर का वर्क नहीं है तो आप थीम के अंदर जाके एडिट करना पड़ेगा। उसके बाद कौन जो काउंट डाउन टेक्स है, जो टेक्स जो काउंट होता है, आपको मैं दिखाता हूँ। जो फ्लीज वाइट 20 में से सेकेंड आ रहा है वही पे परसेंट डी, अब जो टेक्स दोगे जितने जी पे भी आप जहाँ पे भी मतलब परसेंट डी दोगे वही पे टाइमर शो होगा। ओके, देन इसके बाद है फेज नंबर। ए पे जो देख सकते हो पहले टू दिखा रहा है। ओके, वही पे जितने बार आप जितने दोगे उतनी बार ही जो फेज भी होगा। ओके, उतने फेज भी होगा। अगर ये वाला जो ट्रू करोगे जो 2x3 ऐसे दिखा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे 2x1 देखा रहा है ना, इसको फॉल्स कर देगा तो ये वाला शो नहीं होगा। ओके, हाइडन हो जाएगा। और स्क्रॉल डाउन एंड कंटिन्यू, ये वाला जो देख सकते हो ये वाला ये है, तो ऐसे सेव कर दोगे हो जाएगा। और आपका जो ए पी रिकार्ड लाइसेंस है
और लाइसेंस जो परचेस करोगे तो आपको टेम्पलेट थीम में और भी जो ऑप्शन वगैरह है जो पेड का है वो अनलॉक हो जाएगा। और अगर फ्री का है तो फ्री का तो कुछ कुछ जो कोई भी कॉपीराइट हो सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल ऐसे टू। ऐसे टाइमर होने दो। ओके तो मैं भी थीम का को टाइमर दिखा देता हूँ कैसे टाइमर सेंस करोगे। अभी देखे तो जो टाइम है 60 सेकेंड है, अभी भी जो मिली सेकेंड भी सेंस कर सकते हो, जो सेकेंड है कितने मिली सेकेंड में आप 1 सेकेंड देना चाहते हो। ऐसे से 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होता है। ये भी देख लो ना अवॉइड एक्शन, ये वाला जो आप आपका खुद का लाइसेंस होगा तो इसमें इसको जो ये वाला डोमेन 20 में नहीं आएगा। ओके तो ये क्या करता है, जो कॉपीराइट नहीं है तो ये पे जो क्रेडिट देने के लिए 20 में ऐड है। ओके अब समझ गए होंगे। ओके अगर आप आपके पास जो लाइसेंस होगा तो ये वाला शो नहीं होगा इसमें। ओके मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैं ऐसे एक लाइसेंस क्रिएट कर लेता हूँ मेरे लिए। ओके मेरे पास समझ लो फ्रीडम, फ्रीडम में लाइसेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसका ब्लॉग आईडी एड करना पड़ेगा लाइसेंस पे। अब देखो शायद मेरे लिंक कॉपी है। हाँ कॉपी है, मुझे ये भी करना चाहिए था, सब कर लेता हूँ। एक मिनट कंटिन्यू करने से पहले मैं काम कर लेता हूँ, जब आपको देखा भी देता हूँ जो ट्रू और फॉल्स का वर्किंग कैसे है। तो इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, प्लीज़ वेट आ रहा है। देख लो ये भी 20 में और जो वो वाला डोमेन नहीं आ रहा है, तो ये जो फ्री और पेड का जो प्रॉपरली वर्किंग। ओके तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वाला थीम चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में और वीडियो के नीचे लिंक हो सकता है जो थीम का लिंक, तो जाके डाउनलोड कर सकते हो, जो ये फ्री लाइसेंस से भी चला सकते हो। ओके